हरियाणा समेत चारों विधानसभा चुनाव जुड़ी पल-पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद होते चलेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में मोदी के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के मुख्यमंत्री गायब हो गए। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे लोगों को डाइवर्ट करने की जा रही है कोशिश। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति के द्वारा किए गए बगावत के बाद बीजेपी के नेता पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन जोरदार तरीके से खरी खोटी सुनाई गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री को और विधायक को नोटिस थमाने वाले SDM को ही हटा दिया गया है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का अंधा कानून चल रहा है और ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला है। बताएंगे डॉक्टरों से किया है उन्होंने मुलाकात, इस दौरान क्या कुछ बातें कही है उन्होंने, एक एक करके चलेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की हरियाणा के अंदर अब 100% परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। साथ साथ हरियाणा के 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य में रैली करने के लिए पहुंचे। हरियाणा राज्य के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये रैली कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसमें कहीं भी दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर नहीं है दोस्तों, यानी मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर हटाकर केवल भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री और तमाम अन्य नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष उनकी तस्वीर लगाई गई है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि जिस 10 साल की सरकार के नाम पर बीजेपी के लोग वोट मांगने का दावा कर रहे हैं उसके 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका 55 साल का संघर्ष सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले 55 साल तक काम करने वाले नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके रामविलास शर्मा ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद रामविलास शर्मा को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चंद चौधरी पहुंचे हैं और जिला प्रभारी शंकर धूपड़ भी उन्हें मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी करण सिंह यादव भी इस दौरान मौजूद रहे दोस्तों। सतनाली आवास पर उन्हें मनाने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और कार्यकर्ता भावुक हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा में पार्टी को खड़ा किया वो उसी की नहीं हुई, आम कार्यकर्ताओं की कैसी होगी, अब वो कहां जाएंगे, ये सवाल पूछा गया है। रामविलास शर्मा और कार्यकर्ता भावुक हो गए दोस्तों। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अन्य नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। आपको बता दें कि रामविलास शर्मा के कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय बीजेपी के पूर्व मंत्री को जमकर सुनाया गया है कि आपने आखिर टिकट क्यों काटा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे दोस्तों। रामविलास शर्मा का टिकट कटने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रामविलास शर्मा जो मनोहर लाल खट्टर के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, क्या खट्टर के कहने के बाद उनका टिकट काटा गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक बड़े नेता को टिकट नहीं देकर अपनी एक सीट पर तो मुश्किलें बढ़ा ली है दोस्तों। और ऐसे में आप केंद्रीय मंत्री जो रह चुके थे बीजेपी के नेता गए थे मनाने के लिए, तो उनको भी खरी खोटी सुनाई गई है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में महिलाओं को लेकर कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश का एक बयान सामने आया सोशल मीडिया पर। उस बयान को लेकर अब उन पर निशाना साधा जा रहा है, लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बने इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है दोस्तों। इसका मतलब है कि लिपस्टिक पाउडर लगा के लीडर अगर बनना होता तो मैं दाढ़ी क्यों रखता। कुल मिलाकर दोस्तों ये महिला विरोधी टिप्पणी के बाद अब सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से उनके खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है और माफी की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों हिसार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब चाहे बीजेपी जितना मनाने की कोशिश कर ले, सावित्री जिंदल निर्दलीय मैदान में उतरेंगी। सावित्री जिंदल से अब नवीन जिंदल के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो प्रचार करने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नवीन बीजेपी में है और जो पार्टी नवीन को आदेश देगी वो करेंगे, अगर पार्टी हिसार में ड्यूटी लगाएगी तो वो हिसार में पार्टी का काम करेंगे। सावित्री जिंदल ने कहा कि नवीन जिंदल से उनकी रोजाना बातचीत होती रहती है मगर राजनीति के विषय में कोई बातचीत नहीं होती। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री MLA को नोटिस थमाने वाले SDM को ही हटा दिया गया है। दरअसल हरियाणा के हिसार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद से पूर्व विधायक धूडाराम बिश्नोई को नोटिस भेजने वाले रिटर्निंग ऑफिसर SDM जगदीप ढांडा को सरकार ने तबादला कर दिया है। अभी उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 25 ही दिन हुए थे लेकिन 25 दिन के अंदर ही यह तबादला कर दिया गया है दोस्तों। अब इनकी जगह हरबीर सिंह को हिसार का नया SDM बनाया गया है। इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर कुलदीप बिश्नोई के दबाव में ऐसी कार्रवाई की गई है दोस्तों। साथ साथ बता दें कि आचार संहिता के दौरान SDM के पास ही रिटर्निंग ऑफिसर की पावर होती है और वह अपने क्षेत्र के चुनाव आचार संहिता सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सुनिश्चित करते हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता में रेप कांड मामले को लेकर ममता बनर्जी का इमोशनल दावा। डॉक्टरों से कहा कि आप लोग धरने पर बैठे हैं, मैं भी आपके साथ में हूं, मेरे लिए मुख्यमंत्री का पोस्ट कोई मायने नहीं रखता। कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए शनिवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने इस दौरान डॉक्टरों को काम पर लौटने की अपील की और इमोशनल दाव भी चला है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर का दर्द समझती हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं, मुझे CM पद की कोई चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने बहुत आंदोलन किए हैं, हमें आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। मैं CBI
सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा की मांग करूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों सीबीआई के पास क्योंकि ये मामला है तो राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में अब जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके, क्योंकि दोस्तों पूरा मामला अब सीबीआई के अधीन चलाया गया है और ममता सरकार के पास कुछ भी नहीं है, वो केवल सीबीआई पर दबाव बना सकते हैं कि जल्द बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के धरने पर ममता बनर्जी ने बातें स्पष्ट की है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में हिंसा को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते आरोप लगाया है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों तथा दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं लेकिन अशांत प्रदेश में जानबूझकर नहीं जा रहे। मणिपुर में पिछले साल मैतई और कुकी समाज के बीच संघर्ष हो गया तो दोस्तों मामला काफी आगे बढ़ गया, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थानीय स्तर पर जाकर लोगों को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों फटाका फोड़ने के मामले में दिल्ली ने दर्ज की है FIR। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आतिशीबाजी की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद 6 फ्लैग स्टॉफ के आसपास जमकर आतिशबाजी हुई है। दोस्तों दिल्ली बीजेपी ने आतिशबाजी को लेकर मंत्री गोपाल राय से सवाल भी पूछे गए थे कि दीपावली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे बैन हटाए जाए। 4 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया था और अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो सेलिब्रेशन में पटाखे फोड़े गए उसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, लेकिन किस बात के स्टार प्रचारक है, उनको कोई रैली रोड शो भी बीजेपी नहीं कराएगी, शायद यही बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। दोस्तों हरियाणा में जिस तरीके का माहौल है और कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी तो उनका नाम भी हटा दिया गया है। दोस्तों हरियाणा कांग्रेस की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि भाजपा का यह स्टार किस चीज का करेगा प्रचार, खुद के द्वारा बनाए गए बेरोजगारी के रिकॉर्ड का, गर्दन काटने वाली मरोड़ का, या फिर पेपर लीक और घोटालों की होड़ का, ये कैसा स्टार है जिसे पार्टी ने चुनाव से पहले खुद ही तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जिनके नाम पर 9.5 साल सरकार चली थी उनके एक भी कामकाज को बीजेपी के लोग गिनवाने को तैयार नहीं और लोगों से फिर मैंडेट मांगने चले आए हैं। साथ साथ झुकता है ताना शाह झुकाने वाला चाहिए प्रधानमंत्री मोदी पर संजय सिंह ने किया है पलटवार। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए जो बातें लिखी है उससे साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कुचक्र है और वो एक तरीके की साजिश है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, हालांकि दोस्तों अन्य पार्टियों में उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें कैथल में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जिला अध्यक्ष गंजन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी को लेकर कर्नाटक में फेक दावे फैलाए जा रहे थे। आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति पुलिस वाले उठाकर ले गए, इस तरीके का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने का दावा किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर मोहम्मद जुबैर की ओर से जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये तो काफी बड़ा मामला था। दोस्तों प्रोटेस्ट करने के लिए आए लोग अपने हाथ में गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए थे जिसे सुरक्षित गाड़ी में रख दिया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कोई गणेश चतुर्थी नहीं मना सकता, लेकिन हकीकत यह है कि लोग मना भी रहे हैं और जमकर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परसेप्शन की लड़ाई चाहे हिमाचल हो या फिर कर्नाटक हो दोनों जगह बीजेपी जीतने का प्रयास कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जबरदस्त, ज्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।